घोषित लोकसभा से करारी हार के बाद डॉक्टर अरविंद राजभर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कैमरे का सामना किया है। डॉक्टर अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र हैं और एनडीए के घोषित लोकसभा से प्रत्याशी थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय से उनको करारी शिकस्त खानी पड़ी है। डॉक्टर अरविंद राजभर ने घोसी के मतदाताओं के प्रति अपनी अति भावुक प्रतिक्रिया जारी किया है। उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा कराने के लिए सतत प्रयासशील रहने का वचन दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान हमने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा कराने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहेंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर अरविंद राजभर क्या कह रहे हैं। मैं समस्त घोसी की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो विजयी प्रत्याशी हैं श्री राजीव राय जी, उनको निर्वाचित होने पर उनको ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस घोसी के सर्वांगीण विकास का वो कदम उठाएंगे और इस घोसी के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी ताकत झोंक करके जो जो वायदे हम सब लोगों ने मिलकर के चुनाव में जनता से किए हैं उस वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। और हमारे पक्ष में जितने लोगों ने मतदान किया ऐसे समस्त मतदाताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने एक बच्चे को इस प्रकार से आपने प्यार दिया, दुलार दिया, सराहा और आपने बूथ पर जा कर के इतनी चिलचिलाती धूप में भी आपने हमारे पक्ष में मतदान किया। इसके लिए हम समस्त घोसी लोकसभा की जनता को धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि जो भी यहाँ के मतदाता हैं लगभग 21 लाख मतदाता कभी भी अपने आप को असहाय नहीं समझेंगे। मैं जितना वायदा किया हूँ इन लोगों से, जिस भी गांव में मैं गया, जिस भी बूथ पर गया, जितने लोगों का मेरे पास फ़ोन कॉल आए मैं पूरी ताकत के साथ लगा रहूँगा कि जिससे कि हमारे गाँव का विकास हो सके। और जो हमने अपने स्टेटमेंट में, अपने संबोधन में, अपने भाषणों में जो हमने इस मऊ घोसी लोकसभा के विकास के लिए जो कुछ भी हमने अपनी योजना बना रखी थी, हम उस योजना को सिर्फ स्क्रैच के ही तौर पर नहीं रखेंगे बल्कि उसको फलीभूत करने के लिए हम निरंतर प्रयास भी करेंगे। सरकार चाहे जिसकी भी बने, जहां तक अभी अपडेट्स जो आ रहे हैं सरकार तो एनडीए की ही बननी है। हम प्रयास करेंगे, जो बात हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपने कार्यक्रम के दरमियान हमने जो उनसे कहा था मैं उस काम को पूरा कराने का प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमने अपने घोसी लोकसभा के कार्यक्रम के दरमियान जो हमने विकास से संबंधित चर्चा या फिर उनसे जो वार्ता किया था मैं उस चर्चा और उस वार्ता को मैं सिर्फ वार्ता तक ही सीमित नहीं रखूंगा बल्कि मैं लग करके इस घोसी में उन सारी चीज़ों को लाने का प्रयास करूंगा जिससे कि इस घोसी वासियों का विकास हो सके। और यहाँ के जो युवा हैं, हमारे बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे तमाम लोग हैं, ये लोग सेटिस्फाई हो सकें और हमने जितना भी वादा किया है मैं उसको कर सकूं, ऐसा मैं ताकत भी चाहता हूं कि जनता ऐसी ताकत दे कि विपक्ष में रह करके, मैं घोसी की बात कर रहा हूं, घोसी विपक्ष में रह करके मैं इस काम को भी करने का हिम्मत जुटा सकूं। डॉक्टर अरविंद राजभर को आपने सुना साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।